हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम कॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीएपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सरस्वती कोऑपरेटिव लिमिटेड इज एज अ अंडर। सेल्स दिया है, पर यूनिट कितना है 24, मतलब टोटल जो वॉल्यूम होता है सेल्स का 5000 यूनिट दे दिया गया है। मतलब पर यूनिट में अगर हमें पर यूनिट वेरिएबल सेल्स कुछ भी मिल गया, मतलब इससे मल्टीप्लाई करके हम अपना टोटल रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 24 मल्टीप्लाई 5000 यूनिट करके तो हम टोटल अपना वॉल्यूम टोटल रुपीज़ फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है हमें 33.33%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 45%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका परसेंटेज है तो होता है 45%। तो कि सेल्स का परसेंटेज होता है 45, जो 45% है वो किसका होगा, सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें फाइंड करने को बोला है फिक्स एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले कि फिक्स एक्सपेंडिचर हमारे कौन से फॉर्मूला में आता है, कि कौन सा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम फिक्स एक्सपेंडिचर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। बीएपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट या फिर फिक्स एक्सपेंडिचर अपॉन पीवीआर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें दिया है, बीएपी हमें मिल सकता है। बीएपी की क्या फॉर्मूला है, बीएपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस एमओएस, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने अभी बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी 45% दिया है, 45% दिया है वो किसका होगा, सेल्स का। टोटल सेल्स हमारा कितना हो जाएगा 5000 यूनिट, पर यूनिट कितना है 24, तो 21 लाख हो जाएगा। 45% किसके, तो 120 के 45% करेंगे तो कितना आ जाएगा 54000। तो बीएपी ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ गया 66000। तो बीएपी हमें 66000 मिल गया। तो अब हमें फिक्स एक्सपेंडिचर मिल सकता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला में बीएपी इज इक्वल टू एफ अपॉन पीवीआर में फिर से रख देंगे। बीएपी इज इक्वल टू 66000, एफ हमें फाइंड करना है मतलब फिक्स एक्सपेंडिचर, एंड पीवीआर हमें दिया है 33.33%। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22000। 22000 हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट में क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पूरा याद ही होना चाहिए कि सेल्स माइनस वी तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस एफ करें फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये वाली फॉर्मूला है जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको एम कॉम एस एम थ्री का सम, लेकिन आपको सेम फोर में भी काम आएगा और टी वाई में भी ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर काम आता है। तो आपको पहले पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है कि सेल्स माइनस वेरिएबल करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस हम फिक्स कॉस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वाली फॉर्मूला करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट हमें हमारे पास से अभी हमने फाइंड की 22000, कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, पीवीआर से। पीवीआर का क्या फॉर्मूला है, पीवीआर रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन सी अपॉन 24 करेंगे हम सेल्स, यहाँ पे आप 24 या फिर डायरेक्ट 1,20,000 भी ले सकते हैं, या फिर पर यूनिट के हिसाब से करेंगे तो आपको ये जो 8 आंसर आया 24 का 33.33% करके आपका 8 आंसर कंट्रीब्यूशन आया, उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5000 हमारा वॉल्यूम है ना, तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप 24 के हिसाब से डायरेक्ट आप सेल्स पूरा ले लोगे 1,20,000, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा।
तो हम 8 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। 40,000 आ जाएगा हमारा। 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे 22,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 18,000। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 8 को मल्टीप्लाई हमने कितने किया, मैंने अभी कहा था कि 5,000 जो हमारा यूनिट दिया है वो। अगर आप पीवीआर रेशियो फाइंड करते के टाइम सी अपॉन एस में डायरेक्ट आप वॉल्यूम ले लेंगे 1,20,000 जो टोटल सेल्स है, तो आपको 5,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट उसके 33.33% करेंगे तो डायरेक्ट आपका 40,000 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सम हमारा ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।